पहले कुकर ले लेते हैं। कुकर में हम ये कुछ 5-6 आलू बॉईल करने के लिए अभी गैस में चढ़ा देते हैं। तो ये मेरा हो गया, अभी चलिए इसको चढ़ाते हैं पहले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम आ गए हैं अपने किचन में और मेरे हाथ में ये देख सकते हैं पनीर। एक्चुअली सुबह को जो पनीर आया हुआ था 2 पैकेट, वो पूरा ख़राब निकला, तो उसका भी कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो हमने ये पनीर निकाल लिया है और उसको फ्रिज में हम रख दिए थे, तो अभी वही पनीर का हम कुछ अलग डिफरेंट बनाने जा रहे हैं। तो आज का डिनर मेरा यही होने वाला है। तो इसको पहले हम काट लेते हैं छोटे छोटे साइज में। देख सकते हैं कुछ पनीर थोड़ा ख़राब जैसा, मतलब ठीक से हुआ नहीं है, तो फिर भी काम चल जाएगा, घर में कौन देखता है, खुद ही को तो खाना है। तो पहले इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लिए। इधर हम गैस में अभी चढ़ा देते हैं कढ़ाई तेल, सो इसको फ्राई करने के लिए। तो ये जब तक गर्म होता है तब तक हम इधर आलू मेरा बॉईल हो गया, अब इसे हम जल्दी जल्दी छील लेते हैं। और इसे छीलने के बाद इसे भी हम पनीर के जैसे ही छोटे छोटे क्यूब में हम इसको काट देंगे। फिलहाल तो इधर मेरा आलू भी कट के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हम इधर टमाटर काट रहे हैं छोटे छोटे क्यूब में मसाला बनाने के लिए, और इसमें हम देंगे छोटा सा अदरक, क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ नहीं रहा है तो मसाला तो चाहिए, अब क्या का बनाएं। तो यही आज का मेरा मसाला होने वाला है, एकदम बिना अदरक लहसुन, अदरक लहसुन और प्याज का। इधर मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तभी चलिए अभी इसको जल्दी जल्दी पनीर हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पनीर डालेंगे, नहीं तो ये सट जाएगा, क्योंकि बाजार वाला पनीर नहीं है ना, घर वाला है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो गया, देख सकते हैं पूरा धुआं उड़ा है कढ़ाई से। तो मेरा ये अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है पनीर फ्राई होके, देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे करके, हम धीरे धीरे करके बाकी वाला भी हम छान लेंगे। तो इधर पनीर मेरा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं हम। तो ये मेरा हो गया। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हम आज देने वाले हैं सरसों ऑयल, इससे ही हम बनाने वाले हैं। तो अपने हिसाब से हम जो सब्जी अब बनने वाला है उसके हिसाब से हम तेल लिए, उसके बाद हम इसमें फ़ौरन में, और जो पेस्ट अभी हमने बनाया मसाला टमाटर और अदरक का, वही पेस्ट बनाने से ही हम इसको आज बनाने वाले हैं। तो ये भी हमने डाल दिया, इसको थोड़ा देर हमें भून, और जो बेसिक मसाला आता है हल्दी लाल मिर्च जीरा धनिया, वही हम इसमें देने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं देने वाले इसमें, इवन हम पनीर मसाला भी नहीं देने वाले हैं। सो अभी ये मेरा मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा देर हम और चलाएंगे, अभी थोड़ा मसाला जो उसको पकाएंगे। तो अभी ये मेरा मसाला देख सकते हैं भुंजा गया है। अब इसमें हम जो आलू क्यूब में काट के रखे थे बॉयल वाला, वो डाल देंगे। कलर बहुत सुंदर है। तो ये मेरा आलू अभी इसमें हम डालते हैं। अब इसे भी हमें थोड़ा देर तक अच्छे से भूंजना है, ताकि मसाला आलू में बहुत अच्छे से आ जाए। ये मेरा आलू भी थोड़ा बहुत अभी जब ये भूंजा जा रहा है, देख सकते हैं कलर चेंजेस हो रहा है इसमें अभी। तो अभी जैसे ही ये मेरा आलू भुंजा जा रहा है, इसमें हम अभी देंगे थोड़ा सा पानी। तो हमें जितना ग्रेवी रखना है उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा देंगे, ताकि उबाल आने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको वेट करते हैं उबाल आने तक। तो देख सकते हैं धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो ही जाएगा अभी। तो हम नमक दे देते हैं और गैस का फ्लेम जो है उसको थोड़ा हाई कर देते हैं, ताकि मेरा उबाल जल्दी से आ जाए। तो उबाल आना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं अभी। तो इसमें हम जो पनीर हम छान के रखे थे वो वाला भी अभी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए ये हमने डाल दिया पनीर इसमें, और इसको अभी अच्छे से चलाएंगे हम कुछ देर तक, क्योंकि इसका मसाला देख सकते हो कितना पतला है। तो थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करेंगे और कुछ देर इसको हम थोड़ा सा ढक के अभी पकाएंगे। इसको हम अभी अच्छे से चला लेते हैं और अब इसको ढक देते हैं। जब तक मेरा पनीर बनता है तो तब तक हम दूसरे साइड में बनाएंगे अभी रोटी।
तो चलिए जल्दी जल्दी हम उधर रोटी हम और मम्मी मिल के बना लेते हैं, तब तक मेरा इधर का पनीर भी रेडी हो जाएगा। तो जब भी हमारा घर में रोटी जो बनता है हम और मम्मी मिल के ही बनाते हैं, अकेले हम बनाते नहीं, ताकि जल्दी जल्दी हो। मम्मी हेल्प कर देती है, मम्मी बोलती है अकेले कितना बनाएगी, तो जल्दी जल्दी हम दोनों मिल के ही बना लेते हैं। तब तक इधर देखिए मेरा पनीर का सब्जी भी रेडी हो गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। तो आज का मेरा डिनर यही रोटी और पनीर का सब्जी है गाइस। तो ये वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।